यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। भरनी पड़ती है चिड़िया को उड़ान बार बार, तिनके तिनके से आशियां बनाना होता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जिनका कहना है कि जीवन में मैं ज्यादा पढ़ लिख तो नहीं सका, इसलिए मैं हर रोज पढ़ता हूँ। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 4 तक ही पढ़ पाने वाले इस शख्स ने अपनी मेहनत से 9000 कर्मचारियों वाली 6000 करोड़ टर्नओवर की कंपनी बना डाली। और यही नहीं, अपनी कंपनी के मेहनती कर्मचारियों को दिवाली पर तोहफे में गहने, कारें और 2 BHK फ्लैट तक देने वाले सावजी धानजी ढोलकिया की कंपनी अपनी इंडस्ट्री में आज देश की 5 सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। लेकिन बिना किसी खास स्कूली शिक्षा के कैसे किया उन्होंने ये चमत्कार, चलिए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी इन चलचित्रों के माध्यम से। 12 अप्रैल 1962 गुजरात के अमरेली में एक छोटे से गांव में जन्मे सावजी धानजी ढोलकिया पढ़ाई लिखाई में कुछ खास रुचि नहीं रखते थे, जिसके कारण वे 5वीं कक्षा भी पूरी नहीं कर पाए और केवल 12 वर्ष की उम्र में वे सूरत आ गए और यहाँ वे एक छोटी सी फैक्ट्री में हीरा घिसने का काम करने लगे, जहाँ शुरुआत में उन्हें केवल 180 रुपए मिला करते थे। यहाँ उन्होंने पूरे मन लगाकर काम सीखा और कुछ ही महीने में उनकी काबिलियत से उनकी तनख्वाह कई गुना बढ़कर 1200 रुपए हो गई। उन्होंने लगभग 10 साल तक हीरा घिसने का ही काम किया, जिससे उन्हें हीरे की बारीकियों का बहुत ही अच्छा अनुभव हो गया। उसके बाद उन्होंने अपने घर से ही अपने 2 भाइयों तुलसी, हिम्मत और कुछ दोस्तों के साथ खुद का हीरा घिसने का काम शुरू किया। काम धीरे धीरे अच्छा चलने लगा और लगभग 7 वर्षों तक इस काम को करते हुए वर्ष 1991 तक उनकी इस कंपनी का टर्नओवर लगभग 1 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। और अब वे कारोबार को और बड़ा करने के लिए सोचने लगे, जिसके लिए मुंबई में एक ऑफिस खोलकर मार्केटिंग करना जरूरी था। वर्ष 1992 में उन्होंने मुंबई के एक बिजनेस सलाहकार की सेवाएं लेकर मुंबई में हरे कृष्णा एक्सपोर्ट्स ऑफिस की स्थापना की और वहां से मार्केटिंग का काम करने लगे। इसी दौरान उनके छोटे भाई घनश्याम भी अपने भाइयों का साथ देने के लिए टीम में शामिल हो गए। ज्यादा शिक्षित ना होना कभी भी उनके मार्ग में बाधा नहीं बना, क्योंकि वे अपने धंधे के पक्के खिलाड़ी बन चुके थे। शुरुआत में जिस कंपनी का कारोबार वर्ष में केवल 1 करोड़ तक था, वही कारोबार मुंबई में ऑफिस खोलने के बाद दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा और आज वही कारोबार 6000 करोड़ तक पहुंच गया है। आज उनकी कंपनी 75 से ज्यादा देशों में हीरा सप्लाई करती है और हरी कृष्णा डायमंड के 7 देशों में खुद के आउटलेट ऑफिसेज हैं और इसके अलावा दुनिया भर के 6500 रिटेल आउटलेट्स पर इनकी कंपनी के द्वारा तराशे हीरे उपलब्ध हैं। सावजी भाई ढोलकिया की डायमंड कंपनी अपनी इंडस्ट्री में आज देश की 5 टॉप कंपनियों में गिनी जाती है। डायमंड इंडस्ट्री में उन्हें उनके योगदान के लिए अनेकों अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। ईश्वर में खूब आस्था रखने वाले सावजी भाई हीरे के ही नहीं, इंसान और उसके काम दोनों के अच्छे पारखी हैं। उनका कहना है कि उनकी कंपनी हीरा नहीं बल्कि अच्छे इंसान बनाने का काम करती है, क्योंकि अगर इंसान अच्छा बन जाए तो काम तो अपने आप अच्छा होने लगेगा। सावजी भाई अपने कर्मचारियों की बहुत इज्जत करते हैं। पहले हीरा घिसने और तराशने का काम करने वालों को हीरा घिस्सू कहा जाता था, लेकिन सावजी ढोलकिया ने उन्हें डायमंड आर्टिस्ट और डायमंड इंजीनियर का नाम दिया। कर्मचारियों को वे अपना परिवार मानते हैं। 26 साल के कार्यकाल में आज तक उनकी कंपनी में कभी कोई हड़ताल नहीं हुई। उनका मानना है कि कर्मचारियों को यदि अच्छा वातावरण और सम्मान मिले तो कोई क्यों बगावत करेगा। ज्यादा स्कूली शिक्षा ना रखने वाले सावजी भाई ने सब कुछ अपने अनुभवों से सीखा और इसीलिए अमेरिका रिटर्न अपने MBA बेटे को जीवन में पैसे की अहमियत समझाने के लिए केवल 7000 रुपए देकर केरल नौकरी करने भेज दिया, जहां ना तो उनके बेटे को वहां की भाषा आती थी और ना ही कोई पहचानता था। ऐसे हालात में
उनके बेटे ने वहाँ नौकरी की और जीवन को एक अलग नजरिए से समझा। तब जाकर सावजी भाई ने अपने बेटे को अपनी कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी। सावजी ढोलकिया जमीनी हकीकत से जुड़े इंसान हैं। वे अपने कर्मचारियों को अपना परिवार मानते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपने 9000 कर्मचारियों में से 1716 कर्मचारियों को उनके अच्छे काम और योगदान के लिए 402 BHK फ्लैट, 1000 कारें और गहने दिवाली उपहार के रूप में दिए, और ऐसा वे पहले भी कर चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी वे समाज और अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं। कभी कर्मचारियों के माता पिता को चारों धाम की यात्रा, तो कभी उनके साथ गरबा जैसे फेस्टिवल में साथ में नाचने में भी उन्हें बहुत आनंद मिलता है। और अंत में इतना ही, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।